हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने की थी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई मैट्रिक्स उठाते हैं ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एन क्रॉस एन की रो भी इक्वल कॉलम भी इक्वल, ठीक है, रो और कॉलम दोनों एन एन गिवन है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास गिवन है 1 2 4 5, हमने उठाई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो के कॉलम में चेंज कर देते हैं 4 5, ये आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसका दोबारा से ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करना है 2 5, दिस कॉलम दिस रो इज कॉलम, सेकंड रो इज सेकंड कॉलम, वापस हमारी ए मैट्रिक्स बन जाती है। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर हम एडिशन में ट्रांसपोज करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन दोनों में अप्लाई होगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं तो ओपन होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, के इंटू यानी कोई कांस्टेंट अगर आप लेके चलते हो इसका ट्रांसपोज करते हो तो के इंटू ए ट्रांसपोज, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ इज ए ट्रांसपोज, अच्छा ये हो गया, ए रेज टू पावर एन ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज के पावर एन, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ए स्क्वायर ए क्यूब जैसे हम निकालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए मैट्रिक्स के, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ट्रांसपोज करके स्क्वायर कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो ये थे ट्रांसपोज की कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट कैसे निकालते हो, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं x प्लस आयोटा वाई, अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो आयोटा वाला पोर्शन अपना साइन चेंज कर देता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होने चाहिए। रियल नंबर का अगर आप कंजुगेट निकालते हो तो वो वही आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैट्रिक्स उठाई आयटा 2 प्लस 6 आयटा 4 आयटा एंड 3 माइनस 5 आयटा, अगर हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमें करना है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का कंजुगेट, ए कंजुगेट कैसे ओपन करेंगे, माइनस, इसका प्लस का साइन है माइनस चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी आयटा है उसका साइन चेंज कर दीजिए, 6 आयटा प्लस का है माइनस 4 आयटा और यहाँ पे 3 प्लस 5 आयटा, ये होता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए 2 क्रॉस 2, ठीक है, या रेक्टेंगल का भी हो सकता है। अब देखिए कंजुगेट का भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ए कंजुगेट का फिर से कंजुगेट कर देते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसी का आप दोबारा से कंजुगेट करके देखिए, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से वापस ए आ जाता है आपके पास। ए प्लस बी कंजुगेट, कंप्लीट का अगर कंजुगेट है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। थर्ड इज ए इंटू बी, मल्टीप्लाई में अगर कंजुगेट निकालते हैं तो ए इंटू कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट हो जाएगा। ट्रांसपोज में हमारे पास क्या हुआ था, उल्टा हो गया था, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो बी ट्रांसपोज आगे आता है, ए ट्रांसपोज बाद में आता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बट कंजुगेट में ऐसा नहीं होता, सिंपल आ जाएगा आपके पास।
के इंटू ए, के अगर कोई नंबर गिवन आपके पास तो ये आ जाएगा के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट। अगर के रियल है तो के का कंजुगेट के ही आ जाएगा, अगर कोई रियल नंबर है। और अगर के की वैल्यू दे रखी है आयोटा में, जैसे 1+2 आयोटा मान लो के की वैल्यू है, तो के कंजुगेट इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा 1-2 आयोटा, मतलब इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो के का भी कंजुगेट होगा और ए का भी कंजुगेट होगा। फिफ्थ, ए एन कंजुगेट या फिर ए कंजुगेट की पावर एन बराबर होते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। बाय नेम ही पता चल रहा है ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी आपको ट्रांसपोज भी लेना है और कंजुगेट भी लेना है। इसको हम ए थीटा से डिनोट करते हैं, ए थीटा, इसको हम लिखेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए, ये हो गया ए ट्रांसपोज कंजुगेट, दिस इज कंजुगेट ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट एग्जांपल देखिए इसका, कोई ए इज इक्वल टू 2, 3+ आयटा 5 आयटा 6-7 आयटा, मान लिया हमने ये ले लिया और हमें इसका फाइंड आउट करना है थीटा, ए थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको इसका कंजुगेट करना पड़ेगा या फिर ट्रांसपोज, जो भी आपके जैसे भी सॉल्व करना चाहो। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं कंजुगेट, कंजुगेट उठाएंगे तो क्या करेंगे हम, जो माइनस आयटा वाले साइन उसका साइन चेंज कर देंगे, दिस इज 3-3 आयटा, ये हो जाएगा माइनस का 5 आयटा, यहाँ पर आ जाएगा 7+6+7 आयटा। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या था, जो हमारे पास रो वो कॉलम में चेंज जाता है, 2, 3-3 आयटा माइनस 5 आयटा 6+7 आयटा, तो ये आ गया आपके पास ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ए ट्रांसपोज कंजुगेट का अगर दोबारा से करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, अगर आप इसका दोबारा से ट्रांसपोज करके फिर से कंजुगेट करोगे तो वापस ए मैट्रिक्स ही आ जाती है। सेकंड, ए प्लस बी थीटा, अलग अलग कर सकते हैं ए थीटा प्लस बी थीटा। थर्ड इज ए इंटू बी थीटा, मल्टीप्लाई में अगर ओपन कर रहे हैं तो b थीटा पहले आएगा a थीटा, क्योंकि हमारे पास कंजुगेट ट्रांसपोज वाली याद रखना, a b इंटू ट्रांसपोज करते हो तो b ट्रांसपोज इंटू a, क्योंकि इसमें यहाँ पे ट्रांसपोज का भी यूज होता है, कंजुगेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल आ जाता है a कंजुगेट b कंजुगेट, बट ट्रांसपोज में चेंज होता है तो थीटा में भी चेंज होगा। फोर्थ इज k इंटू a थीटा, तो k इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है रियल कॉम्प्लेक्स, तो k कंजुगेट इंटू ए थीटा इसका कंजुगेट हो जाएगा, ट्रांसपोज में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इनटू ए का थीटा हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ इज ए रेज टू पावर एन इनटू थीटा, दिस इज इक्वल टू ए थीटा एन, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज कंजुगेट। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आप प्लस टू में बहुत अच्छे से कर चुके हो, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1, 2, 3, 4 और आपको निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हो, माइनर की हेल्प से, और माइनर क्या होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये प्लेस हमारा क्या होता है A11, दिस इज A12, A21, A22, आपको चाहिए A11 कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये क्या बनेगा आपके पास, माइनर आ जाएगा, साइन आ जाएगा आपके पास -1 raised to power, कोफैक्टर निकालते हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं और इनटू A22 प्लेस आ जाता है, यानी कि 4, तो ये आ जाएगा -1 का square is 1 इनटू 4, दिस इज 4 A11। A12 फाइंड आउट करोगे तो -1 raised to power 1 into 2, 3 और इसका माइनर निकाल लीजिए, 2 का माइनर क्या निकालोगे, 3 आ जाएगा इनटू 3,
इन टू यहाँ पे होता है एम वन वन, यहाँ पे एम वन टू। मैट्रिक्स देख लेंगे किस ऑर्डर की आएगी, तो एम वन वन फोर, एम वन का मतलब होता है उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो आपके पास नंबर बच जाएगा। एंड एम वन टू माइनस वन की क्यूब करेंगे तो माइनस अप्लाई, और इसको छोड़ेंगे ये इस रो में इस कॉलम में है तो ये आ गया थ्री माइनस थ्री। ए टू वन निकालोगे, टू वन इज दिस, तो ए टू वन माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन, टू प्लस वन इंडेक्स को हम ऐड कर देते हैं, इन टू एम टू वन, एम माइनर ऑफ थ्री इज टू, तो माइनस टू। और ए टू टू फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस वन रेज टू पावर फोर इन टू एम टू टू, माइनस वन का की पावर फोर करेंगे प्लस हो जाएगा, और इसका माइनर निकालोगे दिस इज़ वन, ये आ जाएगा दिस। अब अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनी है, फोर वन टू प्लेस पे आ जाएगा माइनस थ्री, टू वन इज माइनस टू एंड वन, इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो फोर माइनस थ्री माइनस टू एंड वन, ये होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अगर थ्री क्रॉस थ्री की है तो वैसे ही आपको माइनर निकालने, प्रोसेस यही होता है, माइनर वन टू माइनर कैसे निकालोगे वहाँ से डिटर्मिनेंट के, जैसे हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करते हैं वैसे आपको माइनर फाइंड आउट करने हैं। देन नेक्स्ट इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर मैट्रिक्स आपके पास टू क्रॉस टू की है और आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो आपके पास डायगनल होता है, दिस इज द डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंट्री से इसके लेटर्स को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी देखो ए में था हमारे पास यहाँ पे वन यहाँ पे फोर, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया फोर और वन, ठीक है। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है, नॉन डायगनल कौन बचा, टू एंड थ्री, ये सिर्फ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, टू और थ्री इसके आप कर दोगे साइन चेंज, प्लेस चेंज नहीं साइन चेंज। अगर मान लो ए आपके पास दे रखा है फोर माइनस फाइव सिक्स एट, और इसका आपको निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका आप कैसे करोगे, इसका निकालोगे आप एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू जो आपके पास डायगनल एलिमेंट है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, दिस इज द माइनस एंड प्लस, सिक्स माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का। ठीक है, अब एडजॉइंट बेस पे कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एडजॉइंट पे हमें एक रिजल्ट याद करना पड़ेगा आपको, रिजल्ट क्या होता है, प्लस टू में आपने पढ़ा भी होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम करते हैं, या फिर ए को पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, पहली थ्योरम आपके पास गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड देन आपको प्रूव करना है ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर हम प्रोडक्ट पे एडजॉइंट अप्लाई करते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ देखिए इसका, ए बी इंटू राइट हैंड साइड उठा लेते हैं हम कंप्लीट, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हम एसोसिएट कर देते हैं इनको, यानी ए को यहाँ पे रखेंगे, बी को और एडजॉइंट ऑफ बी को इकट्ठा ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, लास्ट में रह गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। इस पे आप रिजल्ट अप्लाई कीजिए, दिस ए की जगह पे बी को रिप्लेस कर देते हैं तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इंटू आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, किसी भी मैट्रिक्स अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसको हम इधर ले सकते हैं, यानी कि ये तो हो गया कॉन्स्टेंट ए इंटू आई एन आई ए बी मैट्रिक्स, आई जो यूनिट मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स होगी, इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स रिजल्ट देता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ जाएगा ए इंटू यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इस पर फिर से रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, इंटू आई एन। ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसके प्री मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। इसको इक्वेशन दे दीजिए फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी नंबर की हम इसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट की हम करते हैं ए बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इसको एसोसिएट कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको हमने इकट्ठा ले लिया और लास्ट में रह गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। इस पर रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। देन एडजॉइंट ऑफ बी इसका रिजल्ट लगाएंगे तो आई एन इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी हो जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी आई एन इंटू बी। किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स, दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। यहाँ पे फिर से रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं, बी दिस इज इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई है, यानी कि दिस टर्म इक्वल टू और यहाँ से दिस टर्म इज इक्वल टू ऑफ दिस। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास सेम हो जाती है। तो यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन आया है, तो इसकी दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, यहाँ से हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, या यहीं पर लिख देते हैं हम, दिस इज कंप्लीट इक्वल टू दिस टर्म के। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी के। ठीक है, यहाँ से रीजन देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी सेकंड इक्वेशन राइट हैंड सेम आई तो लेफ्ट हैंड सेम कर देंगे और दोनों का आंसर आया है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। चलिए इसको नाम दे देते हैं थर्ड, दिस इक्वेशन इज थर्ड। नाउ जो रिजल्ट हमने ए पे अप्लाई किया था दिस इज, इसको हम ले लेते हैं, अगर मैं ए को रिप्लेस कर देती हूँ ए बी से, इस ए को मैंने रिप्लेस किया ए बी से, यहाँ पे भी रिप्लेस कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी मैट्रिक्स। ध्यान से देखना है, जहाँ पे भी हमने ए ए था वहाँ पे रिप्लेस कर दिया ए बी को, ए बी ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू होगा आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब थर्ड इक्वेशन से देखते हैं कि जो दिस इज इक्वल टू दिस आया है और ये इक्वल टू है ए बी इंटू आई एन के, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के फोर्थ में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ ए बी दिस फैक्टर इज इक्वल टू ऑफ दिस, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए।
समझ गए, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड इक्वल टू आई है आई एन ए बी के, और ये कैसे आई, हमने यहाँ पे ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया। थर्ड इक्वेशन में हमने निकाल रखा है ए बी डिटरमिनेंट इंटू आई एन का रिजल्ट, इस रिजल्ट को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वल टू ए, इसको हम कर देते हैं कैंसिल, पोस्ट मल्टीप्लाई इनवर्स से करेंगे, ए इनवर्स से फिर बी इनवर्स से, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द प्रूफ। सर हम देखिए इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलेगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ए का इनवर्स कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर क्या बताया था, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इनवर्स हमारे पास, इनवर्स की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए हमारा नॉन सिंगुलर होता है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये थ्योरम कहते में क्या दे रखा है, कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। चलिए प्रूफ देखिए इसका, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर, कंट्राडिक्शन तो नहीं, हम इसका दो इनवर्स लेके प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है ए आई जे एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने एक इनवर्स प्रूव करना है, हम लेके चलते हैं इफ मैट्रिक्स ए हैज टू इनवर्स से बी एंड सी, हमने ये लिया कि अगर एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स हमने ले लिए, बी और सी एक मैट्रिक्स के इनवर्स है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। ठीक है, इसी तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे लगाते हैं, हमने कहा कि बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, दैट मीन्स ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल, और आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की, क्योंकि सारी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ही उठानी है बी आई जे एन क्रॉस एन की, सेम टू सेम सी भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स उठानी है जो इनवर्स लिया है सी आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, तो बी और सी और ए सारी की सारी एन ऑर्डर की हैं, तो आई एन के इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर हमने कहा कि सी भी ए का इनवर्स है, हमने कह रखा कि एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई एन, अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी आता है। ओके, अब देखिए जो ए है बी है और सी मैट्रिक्स, तीनों की तीनों सेम ऑर्डर की हैं, तो अगर मैं इनकी प्रोडक्ट कर देती हूँ, सी ए बी इज प्रोडक्ट, सी ए बी इज एग्जिस्ट, क्यों करेगी एग्जिस्ट, बिकॉज या फिर छोटा लिख लो एज A, B and C are same order matrix। ठीक है, A, B, C का matrix तीनों का order same है तो उसकी product exist करेगी, तो हम इसकी product निकाल के चलते हैं, C, A, B, this is equal to C into A, B, A, B की value रख दीजिए, A, B की value from first equation से C into I n, और किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आती है। नेक्स्ट सी ए बी, यहाँ पे हम ले लेते हैं सी इंटू ए और बी को ले लेते हैं अलग, यानी एसोसिएट कर दिया हमने इसको सी ए इंटू बी, देन सी ए की वैल्यू फ्रॉम यहाँ पे आप लिखोगे
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे चेंज किया है कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी आई एन, यहाँ पे सी ए की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से उठाते हैं आई एन, तो ये आ जाएगा आई एन इंटू बी, दिस इज फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, देन इट मीन्स इसको भी लिख दीजिए आप, रिजल्ट आएगा आई एन इंटू बी इज बी, तो ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो बी इक्वल टू सी। अब बी इक्वल टू सी आ गया, आपने क्या लिया था बी इक्वल, बी और सी इनवर्स लिए थे, ए के हमने दो इनवर्स लिए, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ए एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दो इसके इनवर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखें नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। नेसेसरी कंडीशन दे रखी आपके पास कि ए हमारा इन्वर्टिबल होगा, तो सफिशियंट कंडीशन होना चाहिए कि ए हमारा नॉन सिंगुलर जरूरी है। अभी हमने बताया था कि ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका, नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं, द नेसेसरी कंडीशन क्या गिवन आपके पास, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है कि हम लेके चलेंगे कि ए हमारा इन्वर्टिबल है और हमें प्रूव करना है कि ए हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन है आपके पास ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। चलिए, अगर ए आपके पास गिवन है इन्वर्टिबल, दैट मीन्स अगर ए इन्वर्टिबल गिवन है देन ए इंटू, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ ए, से हम बी ले लेते हैं कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो हमने मान लिया बी, सच दैट कंडीशन क्या होल्ड करेगा, ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए इज इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी, ए हमने ले ए हम ले लेते हैं एन क्रॉस एन की, ठीक है। तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी, थ्रू आउट हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, इसको ओपन कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू, ये भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये सेम होते हैं प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन, ठीक है। अब हमारे पास ये आ रहा है कि अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो हमारे पास वन आ रहा है, दैट मीन्स ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो सकता है, ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो सकता है। दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे और आंसर हमारा वन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों नंबर की जीरो तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। या तो इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, वन वन मिलेगी, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू वन होगा, तब इनकी मल्टीप्लाई वन आएगी, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस वन हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी माइनस वन हो, तब इनकी मल्टीप्लाई वन आएगी, ओके। तो हमें गिवन है कि दोनों की मल्टीप्लाई वन आ रही है, दैट मीन्स नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो। हमें क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा कि ए इज नॉन सिंगुलर, ये कंडीशन होती है नॉन सिंगुलर की, तो ये हमारी थी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब सफिशियंट कंडीशन देखो, सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन में आपको क्या लेके चलना है, आपके पास गिवन होगा ए इज नॉन सिंगुलर, ये आपको गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ए
आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी. ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अगर ए आपके पास नॉन सिंगुलर गिवन है, दैट मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हमें गिवन है ए हमारा नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, हम ये वाला रिजल्ट उठाते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है. ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, या कंप्लीट भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, या आप एक से भी काम चला सकते हो. ओके, अभी हमने कहा ये वाले फैक्टर उठा लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऐसे इधर डिवाइड कर देंगे, इधर आपके पास आ गया आई एन. ठीक है, हम यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट है, इसको हम लेट करके चलते हैं बी. हमने मान लिया एडजॉइंट, लेट एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स आएगी और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी आपके पास, उसको मैंने मान लिया बी मैट्रिक्स. यहाँ पुट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी अगर आप लेके चलते हो तो इसको इधर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, देन दिस इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे भी हमने बी रखा है इंटू ए, तो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो इनवर्स से, तो दोनों का आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आंसर आ रहा है. इसका मतलब अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आती है, इसका मतलब ये हुआ कि बी इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और अगर बी ए का इनवर्स है दैट मीन्स ए हमारी इन्वर्टिबल हो गई. यही आपको प्रूव करना था. फिर हम गिवन है इफ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखे, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू ऑफ दिस. प्रूफ देखिए इसका, अगर आपके पास ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए एंड बी विद टू नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है जिसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये इसके इक्वल होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना तो ये इक्वल टू जीरो ना ये इक्वल टू जीरो, तो प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू ये होना चाहिए. अब हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स हो तो आप कैसे लिखते हो, ए बी या बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी आ जाता है. सेम टू सेम ट्रिक यहाँ पे लगानी है. देखिए आपको प्रूव करना है ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी का अगर आप इनवर्स निकालते हो तो ये आता है. इसका मतलब ये हुआ कि बी आपको प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस क्वांट दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए बी. आई समझ रही बात, ए बी इनवर्स ऑफ दिस, इसका मतलब ये ए बी का इनवर्स है, और अगर इनवर्स होता है तो दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी के साथ, तो क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए. यानी अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब दिस इज़ द इनवर्स ऑफ ए बी. ठीक है, अब हम यहाँ पे यही चीज़ करने वाले हैं. चलिए, क्योंकि इनवर्स के लिए हम प्री मल्टीप्लाई भी करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो आपको दोनों प्रूव करना पड़ेगा. तो पहले हम ले लेते हैं ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी को और बी को इकट्ठा ले लेते हैं बी इंटू बी इनवर्स, लास्ट में रह गया हमारे पास
ए इनवर्स, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इनवर्स, क्या होता है आइडेंटिटी, बी इसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, और ए के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, दिस ये फिर से आइडेंटिटी आ गया, यानी मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। सेम टू सेम तरीके से आपको इसको प्री मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, सेम टू सेम करना है, एक और एक इनवर्स को इकट्ठा करेंगे हम, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, दिस इज आइडेंटिटी, बी इनवर्स आइडेंटिटी इंटू बी, दिस इज बी इनवर्स इंटू बी, और ये वापस से आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों की मल्टीप्लाई की और हमारे पास आंसर आ रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मीन्स आपको प्रूव करना है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू होना चाहिए डिटरमिनेंट ए का इनवर्स। यहाँ पे हमने ए का इनवर्स लिया है, यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स लिया, यह चीज़ आपको प्रूव करनी है। चलिए प्रूफ देखिए, ए दे रखा है नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपके पास नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर ए आपके पास नॉन सिंगुलर है इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, तो ए का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देन ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, या फिर इसको ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए लिखिए, ठीक है। हम बहुत सारे डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस, अलग अलग ओपन कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट को ए पे भी अप्लाई कर दिया इनवर्स पे भी। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट वन होता है, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटरमिनेंट एंड ए, ठीक है। यहाँ से हम उठा लेते हैं दिस, इन दोनों को उठा लेते हैं, ये वन के इक्वल है, चाहे इन दोनों को उठा लीजिए सेम चीज़ है। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से आपके पास गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू वन, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर ले जाओ वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आपके पास वन बाई एक्स होता है तो आप इसको क्या लिखते हो, इसकी पावर माइनस वन हो जाती है, सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। ये थी कुछ आपके पास मैट्रिसेस की थ्योरम्स, कुछ थ्योरम इसकी बाकी रह जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।